ये जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है ये टाइम एंड वर्क पर रिलेटेड है और ये गेट 2010 में आया है, 2 नंबर का है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 5 स्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 20 डेज, यानी कि जो 5 वर्कर्स हैं वो एक एक कोई दीवार बना रहे हैं, ठीक। तो उसमें उनको 20 दिन लगते हैं, ठीक, यानी कि स्किल्ड हैं, ठीक। याद लिखा है कि 8 यानी कि सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो कैन ए बिल्ड ए वॉल इन 25 डेज, यानी कि 8 सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, वो 25 दिनों में एक बॉल बना रहे हैं, यानी कि सेम बॉल है, कोई बॉल दी गई है, मतलब दीवार, एक दीवार को ये बना रहे हैं 20 दिन में, यानी कि स्किल पर्सन। और 8 सेमी स्किल पर्सन हैं, वो 25 दिन ले रहे हैं बनाने में, और 10 अनस्किल्ड, ठीक है, 10 अनस्किल्ड वर्कर्स कैन ए बिल्ड ए वॉल इन 30 डेज, 30 दिनों में बना रहे हैं। इफ़ ए टीम हैज ए 2 स्किल्ड, 6 सेमी स्किल्ड एंड 5 अनस्किल्ड वर्कर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिल्ड ए वॉल। इन्होंने क्या किया है कि इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं, चौथी कंडीशन क्या है, इन्होंने टीम बनाई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि उस टीम में 2 स्किल ले लिए पर्सन, ठीक है, और 6 सेमी स्किल और 5 अनस्किल ले लिए। तो ये बता रहे हैं कि अगर ये इन तीनों लोग आपस में मिलकर काम करेंगे तो उस दीवार को कितनों दिनों में बना देंगे, ये है, ठीक है। सिंपल है, क्या इसमें हम ये कर रहे हैं, जो स्किल पर्सन है उसको मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, ए मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्किल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेमी स्किल पर्सन है, ठीक है, वर्कर्स हैं, उनको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो यानी कि सेमी के साथ अनस्किल्ड ना अनस्किल पर्सन है, उनको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इससे मुझे आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक। और हमें एक टीम बनाई गई है, ठीक है, तो कितना समय लगेगा। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले जो हमें दिया गया है, इसमें दिया गया है कि स्किल पर्सन, ठीक है, तो हम इसको मान रहे हैं। हमें दिया गया है सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले दिया गया है कि 5 यानी कि स्किल पर्सन, यानी कि 5A, यानी कि ए का मतलब क्या है, स्किल पर्सन। और कितने दिनों में बना रहे हैं, हम यहाँ दिन लिखेंगे, तो कितने, 20 दिनों में बना रहे हैं। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा E1 से, ठीक है, एफर्ट कर रहे हैं। तो E1 इसको पहली कंडीशन है, ठीक है, E1 इक्वल टू 5 पर्सन है, 20 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा कंडीशन है उसको मैं इस तरह से लिखेंगे, यानी कि यानी कि सेमी स्किल्ड, 8 क्या है हमारे, सेमी स्किल पर्सन है, और उसी दीवार को बना रहे हैं 25 दिनों में, ठीक। तो हमारे 8 सेमी स्किल को हमने रिप्रेजेंट किया बी से, ठीक, बी से। और कितने दिनों में बना रहे हैं, 25 दिनों में, 25 डेज, तो D4 डेज, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है, यानी कि E3, तीसरी कंडीशन ये कह रहे हैं अनस्किल्ड कहाँ है, यानी कि 10 अनस्किल्ड पर्सन है, ठीक है, उनको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, तो 10 अनस्किल्ड पर्सन है, ठीक है। और ये कितने दिनों में बना रहे हैं, बिल दीवार, ये मतलब 30 डेज, ठीक, तो 30 डेज में बना रहे हैं, ठीक है। ये हमें कंडीशन दी गई है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया है कि टीम बनाई है, टीम में क्या किया कि यानी कि स्किल्ड अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड पर्सन को क्या किया, 2 से स्किल लिए पर्सन, 6 सेमी ले लिए और 5 अनस्किल्ड पर्सन को लिया, उन्होंने एक टीम बना दी। अब बता रहे हैं कि ये अगर एक टीम में काम करें, मतलब तो एक दीवार को, वो जो मतलब दीवार दी गई है सबको दी गई है, ठीक है, यानी कि जो काम है वो हमारा सेम है, ठीक, क्योंकि काम क्या है, दीवार बनाना, यानी कि और ये आपस में मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि जो 5
स्किल पर्सन है वो बना रहे हैं 20 दिनों में मिलकर काम, और 8 जो हमारे हैं सेमी स्किल वो 25 दिनों बना रहे हैं, और जो हमारे 10 अनस्किल पर्सन है वो बना रहे 30 ले रहे हैं। तो उन्होंने टीम बनाई, तो वो टीम कितने दिनों बना देगी टीम, मतलब दीवार, ठीक। तो ये पूछ रहा है, यानी कि चौथा जो हमारा एफर्ट है वो हमारा है E4 इज इक्वल टू, ठीक। तो E4 क्या पूछ रहा है कि जो हमें दिया गया 2 स्किल, यानी कि स्किल को मैं रिप्रेजेंट किया A से, तो 2A+, यानी कि टीम बनाई ना, 6 सेमी स्किल, यानी कि 6 सेमी क्या है B, यानी कि 6B, ठीक। अब दिया गया 5 अनस्किल, यानी कि 5C। यहाँ पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, यानी कि जो इसका हमें क्या कहें, यहाँ पर देखो यहाँ पर डेज दी गए हैं, यानी कि 20 दिनों में कोई दीवार बना रहे हैं, यहाँ 25 दिनों में, यहाँ 30 दिनों में। यहाँ पूछ रहा है कितने दिनों में मिलाएंगे, मतलब बनाएंगे अगर ये आपस में मिलें, तो एन हम सपोज मान लिया मैंने एन डेज इनको टाइम लगेगा, तो एन डी फॉर डेज, ठीक है। तो ईवन जो हमें ये दिया गया है इसका एफर्ट हमें निकालेंगे, तो ईवन इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5%, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 20 AD, ठीक है। इनको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × 20 AD, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, यानी कि E2 बराबर यहाँ से इस, ये E1 है हमारा, ये E2 है, तो E2 का क्या हो जाएगा, 25 × 8 BD, 25 × 8 BD, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तीसरी इक्वेशन E3, ठीक है। तो E3 क्या करेगा, यानी कि 30 × 10 CD हो जाएगा, COD, ठीक है। तो E3 इज इक्वल टू 30 × 10 इज इक्वल टू CD। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ये हमारी चौथी इक्वेशन है, यानी कि E4। तो E4 क्या कह रहा है, E4 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पर n दिया गया है ना, n का मल्टीप्लाई इन सब में होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसे होगा 2A + 6B + 5C हो जाएगा n डे, ठीक है। तो n हमें मालूम नहीं, निकालना है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि वैल्यू निकालनी मुझे, ठीक। तो हमारी ये कितनी ओकेशन हो गई, 4 ओकेशंस हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि हमारा क्या काम है, जो वर्क है हमारा वो सेम है, यानी कि दीवार बनाना, चारों का क्या काम है, इक्वेशन जो दी गई है इसमें ये दिया गया है कि अगर ये दीवार, मतलब जैसे ये 5 स्किल पर्सन है, ठीक है, वर्कर है, इन्हें बिल्ड ये बॉल, जो बॉल दी दीवार दी गई है वो 25-20 दिनों बना रहे हैं, जो दीवार है ना, यानी कि जो काम है वो सेम है, ठीक है। चौथी मतलब जितनी भी इक्वेशन दी गई है उसमें काम जो दिया गया है वो सेम है, काम का मतलब ये दीवार, ठीक। कि अगर ये एक टीम बनाई है, अगर ये दीवार उसी दीवार को मतलब समझे बनाए, तो वो कितने दिनों में बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ देखें, तो हम क्या करें, इस E4 को जो है E1 इज इक्वल टू E2 कर दे रहे, क्योंकि काम सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन इक्वेशन, यानी कि E1 और E2 दो इक्वेशन को ले रहा हूँ मैं, पहली और दूसरी को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, E1 इज इक्वल टू E2 कर रहा हूँ, ठीक। क्योंकि हमारा जो काम है वर्क है वो सेम है, ठीक है, उसी मतलब दीवार को बना रहे हैं, टीमें अलग अलग हैं, ठीक। तो हम क्या, मेरा क्या हो जाएगा, E1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 × 20 AD। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × 20 AD, और E2 की वैल्यू क्या है, E2 का है 25 × 8, 25 × 8 BD, ठीक है।
अब इन क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या, मतलब इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ डी से डी कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से कट गया, और हमारा यहाँ से तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा ए इजक्ल टू टू बी, ठीक है। इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्व आ जाएगा, मतलब ये रिलेशन आ जाएगा ए का और टू बी, ठीक है। ये क्या हमारा स्किल पर्सन, ठीक है, और ये सेमी स्किल पर्सन है, ठीक है। ये ए इजक्ल टू टू बी के बराबर है, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए और हमारा इसमें आ गया, अब मैं कर रहा हूँ E2 एन E3, ठीक है। E2 टू एन E3 में क्या आएगा, E2 और E3 का रिलेशन अगर हम करें निकालें तो क्या आ जाएगा, 25 इस के दोनों को ले रहा हूँ मैं, 25 मल्टीप्लाई एट बी डी इजक्ल टू 30 मल्टीप्लाई 10 इनकी सी डी, हमें दिया गया सी डी, ठीक। तो यहाँ से डी डी जल हट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 5 बार से यहाँ से आ जाएगा 2B इजक्ल टू 3C, ठीक। यहाँ 2B इजक्ल टू 3C, जब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक। यहाँ से ए और बी का रिलेशन आ गया, बी सी का आ गया, तो यहाँ से मेरा ए और सी का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ए इजक्ल टू टू बी और यहाँ 2B इजक्ल टू 3C, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखें ए इजक्ल टू टू बी, ठीक है, ये हमें दिया गया 2B और यहाँ 2B इजक्ल टू 3C, ठीक है। तो डायरेक्ट ए इजक्ल टू 3C हो जाएगा, तो इस मतलब ए इजक्ल टू 3C हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। जब अगर ए इजक्ल टू 2B है, ए की वैल्यू 2B है, ठीक है, तो यहाँ 2B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि ए इजक्ल टू 2B के बराबर है, तो 2B बराबर ए, तो ए इजक्ल टू 3C के बराबर हो जाएगा। बस रिलेशन निकाल लिया। अब ये जो रिलेशन में जो वैल्यू आई हैं, ठीक, जो रिलेशन वैल्यू आई वो E4 में रखेंगे, क्योंकि ये जो टीम बनाई गई है वो ये, यानी कि ए बी और सी जो रिलेशन है मैंने, ठीक है, हमें ए की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। या तो हम स्किल फॉर्म में निकालें, या हम सेमी स्किल फॉर्म में निकालें, या हम अनस्किल में निकालें, एक में निकालना मुझे, ठीक है। यहाँ पर ए दिया गया, बी दिया गया, सी गया, यानी कि तीनों फॉर्म में दिया गया है, तो या तो हम ए में निकालेंगे, या बी फॉर्म में लिखें इस पूरे क्वेश्चन को, या हम सी फॉर्म में लिखें, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ए फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ई फोर हम जैसे यहाँ ले हैं, जैसे ई फोर इजक्ल टू टू ए, ठीक है। अब जहाँ पर ये बी है, जैसे 6 मल्टीप्लाई बी, तो बी की इक्वेशन क्या है, हम बी इजक्ल टू क्या लिख सकते हैं, तो बी इजक्ल टू हम लिख सकते हैं 3/2 C लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ हम लिखेंगे 3/2 C, ठीक है। तो ये मतलब अब यहाँ पर सी, क्योंकि हमें ए में लिखना है ये फॉर्म में, तो सी इजक्ल टू क्या है हमारा, पहले हमें ऐसे इस तरह से लिखे रहना है, ठीक है। अब 5 C, ठीक है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2A 9C+5C, तो ये कितना होगा, 9 प्लस 5 14 14 C, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करें, क्योंकि हमें लाना है किस फॉर्म में, ये फॉर्म में, तो यहाँ से हम निकालें C की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी, तो C इजक्ल टू आ जाएगा A/3, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था A की फॉर्म में, मुझे A फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या आएगी, C की वैल्यू हमें जो है यहाँ से निकाल ली मैंने, C इजक्ल टू A/3 रखेंगे अगर यहाँ, ठीक, तो हमारा ये फॉर्म में आ जाएगा। देखना अभी जैसे 2A यहाँ हमारा है, यहाँ 14 मल्टीप्लाई C, ये C दिया गया है, तो C की जगह हम क्या लिख दें,
ए बाई थ्री, ये हो गया हमारा ए बाई थ्री इजक्ल टू ई फोर। ठीक, तो हमारा जो इक्वेशन पूरी आई वो क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो सिक्स ए प्लस फोर्टीन ए यानी कि थ्री, ठीक है, यानी कि ट्वेंटी ए बाई थ्री आ जाएगा। ई फोर का जो इक्वेशन है इक्वल टू होगा ट्वेंटी ए बाई थ्री के बराबर, ठीक है। ठीक, इसके बराबर हो गया इक्वेशन। अब हम क्या करें कि ये हमारे इफोर्ट बराबर हैं क्योंकि काम सेम है, ठीक है, तो हम क्या करें हमारे ये फॉर्म में जो ई फोर इक्वेशन है हमारी वो भी हमारी किस ए फॉर्म में है, ठीक है, और जो इवन फॉर्म जो इवन इक्वेशन है वो भी हमारी ए फॉर्म में है, ठीक है, ये एन डे वी है यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एन डी, ठीक, तो हमारा आ जाएगा ट्वेंटी ए एन डी, क्योंकि हमें निकालना है कितना समय लगेगा, ठीक है, तो ट्वेंटी ए एन डी ये आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब इसके इक्वेशन ई वन इजक्ल टू ई फोर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ई वन इजक्ल टू ई फोर करेंगे, ई वन इजक्ल टू ई फोर, तो ई वन हमारा दिया गया है फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी ए डी, तो ई वन की वैल्यू में रखेंगे तो फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी ए डी इजक्ल टू ई फोर की जो वैल्यू है हमारी ये दी गई है ट्वेंटी ए बाई थ्री एन डी, ट्वेंटी वाई थ्री ए मल्टीप्लाई एन डी, तो डी से डी हट जाएगा, ए से ए हट जाएगा, ठीक है, और ट्वेंटी से ट्वेंटी से ट्वेंटी डायरेक्ट, ठीक है, तो ये इस थ्री का मल्टीप्लाई इधर होगा तो फाइव मल्टीप्लाई थ्री इजक्ल टू एन, तो एन इजक्ल टू आ जाएगा फाइव मल्टीप्लाई थ्री इज फिफ्टीन डेज, ठीक है, यही मुझे निकालना था। तो ये पंद्रह दिनों में अगर ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, अगर दो पर्सन यानी कि स्किल पर्सन मिले यानी कि टू स्किल सिक्स सेमी स्किल और फाइव अनस्किल वर्कर्स हैं, अगर इनको एक टीम में रखा जाए तो वो पंद्रह दिन लेंगे, ठीक है, पंद्रह दिन में वो बॉल को बना देंगे दीवार को, इस तरह से किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी, हमारा ये दिया गया है तो इसको ई फोर मान लिया मैंने, ई वन इजक्ल टू ये हमारी इक्वेशन पहली। दूसरी इक्वेशन दी गई है कि सेमी स्किल पर्सन है, ठीक है, तो उनको दूसरी इक्वेशन में रख दिया। तीसरा बता रहा है कि अनस्किल पर्सन है, उसको तीसरी इक्वेशन में रख दिया, और चौथी जो पूछा गया है, ठीक है, उसको मैंने चौथी इक्वेशन में रख दिया ई फोर में। अब जैसे इक्वेशन बनेंगे तो सबसे पहले ये करोगे इनका रिलेशन निकालें, ठीक है, यानी कि जो हमें जैसे स्किल दिया गया है स्किल और अनस्किल पर्सन क्या रिलेशन है, सेमी स्किल और अनस्किल में क्या रिलेशन है, और स्किल और अनस्किल में क्या है, ठीक है। तो हमने ई वन इजक्ल टू ई टू कर दिया तो ए इजक्ल टू टू भी रिलेशन आ गया, यानी कि ए इजक्ल टू ए जो है वो दोगुना काम कर रहा है, ठीक है, अगर ए दो दिन में काम कर रहा है ना तो ये बी है उसके दोगुने के मतलब चार दिन में करेगा, ठीक है, इस तरह से काम कर रहे हैं, ये इतना फास्ट है कि टू बी के बराबर है, ठीक है, दोगुने के बराबर है, बी के दोगुने के बराबर एक काम कर रहा है। E2 और E3 को अगर मतलब रिलेशन निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 2U इक्वल टू 3C, तो यहाँ से B इक्वल टू यहाँ से निकल आएगी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेशन से हमारा इसका भी रिलेशन आ गया A इक्वल टू 2B और 2B इक्वल टू 3C, तो 2B इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं A, तो A यहाँ रखेंगे तो 3C बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा A इक्वल टू 3C हो गया, यहाँ से 3 की वैल्यू निकाली मतलब C की वैल्यू निकाली तो C की वैल्यू आ जाएगी A बाई थ्री हो गया। ये इक्वेशन A B और C की वैल्यू में पता है क्योंकि हमने एक फॉर्म में, अब क्या करें जब ये रिलेशन आ जाए, ठीक है, तो मतलब ये सभी में करना है ऐसा, ठीक है, तो क्या करते हैं जैसे हमें ये वैल्यू निकालनी है इसकी N की वैल्यू, तो इस जो E4 है ना या तो हम इसको A फॉर्म में यानी कि स्किल फॉर्म में लिखो, A की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है,